जय हिंद दोस्तों, करियर एक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और सभी की तैयारी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज का हम इस वीडियो में बताएंगे कि क्लास 10th वाले बच्चे प्रैक्टिकल कॉपी किस तरह से भरिएगा कि आप लोग को 20 में 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। यदि आप लोग जिस तरह से हम बताएंगे उसी तरह से आप लोग अपना अपना कॉपी भरिएगा तो आप लोग को 20 में 20 नंबर आएगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान। आप लोग को क्लास 10th में पढ़ते होंगे तो आप लोग को दो कॉपी भरना होगा, पहला होगा आर्ट्स का और दूसरा होगा साइंस का। पहला आर्ट्स का और दूसरा साइंस का। आर्ट्स को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान उसमें होता है, देखिए इतिहास का होता है, भूगोल का होता है, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन। ठीक है, इतना बुक का आप लोग को सामाजिक विज्ञान में प्रैक्टिकल देना होगा। और उसके बाद आप लोग को विज्ञान का देना होगा, फिजिक्स का होगा, बायोलॉजी का होगा और केमिस्ट्री का होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया भौतिकी, रासायनिक शास्त्र और जीव विज्ञान। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। यदि आप लोग किताब जाके खरीदे होंगे प्रैक्टिकल कॉपी तो ये दोनों बुक फ्री में दिया होगा। ये दोनों जो बुक दिख रहा होगा आप लोग को फ्री में दिया होगा, एक तो सामाजिक विज्ञान वाला और दूसरा विज्ञान वाला। ठीक है, उसमें ये कॉपी जो कंपनी का रहेगा वही कंपनी का आप लोग लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हम शुरू करते हैं हम लोग विज्ञान से। ये कॉपी को हम साइड रखते हैं, विज्ञान को हम शुरू करते हैं। जैसे कि विज्ञान में सबसे पहले आप लोग कॉपी खोलिएगा तो कॉपी में आप लोग को कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे बहुत सारे बुक में यहाँ पे भी नाम लिखने के लिए रहता है तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। मेन यहाँ पे है, आप लोग यहाँ पे कॉपी में आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रुक जाइए थोड़ा सा, आप लोग को यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे कि हमारा नाम है कुणाल तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कुणाल। ठीक है, कुणाल कुमार, यहाँ पे अपना अपना नाम भर दीजिएगा, कुणाल कुमार। ठीक है, अब विद्यालय का नाम आप लोग को जो हो वहां पे ये वाला नाम अपना भर देना है। उसके बाद वर्ग, आप लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं तो क्लास 10 क्रमांक यानी रोल नंबर और खंड ए मान लेते हैं, खंड ए हमारा रोल नंबर है। जो भी होगा हमारा समय में तो था 396, तो आप लोग को जो भी हो आप लोग अपना हिसाब से रोल नंबर खुद से भर लीजिएगा और आगे देखते चलिएगा। यहाँ तक आप लोग को आई होप आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं हम लोग। ये आप लोग को प्रमाण पत्र है, ये आप लोग को प्रमाण पत्र है, यहाँ पे इस तरह वाला दिख रहा होगा प्रमाण पत्र, तो आप लोग को ये वाला नहीं भरना है आप लोग को खुद से। यहाँ पे देखिए वहां पे खुद ही टीचर भरते हैं तो यहाँ पे विद्यालय का नाम, फिर प्रमाणित किया गया तो यहाँ पे नाम लिखा जाता है। जैसे हमारा नाम कुणाल कुमार है तो यहाँ पे आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं कुणाल कुमार। ठीक है, कुणाल कुमार। उसके बाद वर्ग, दशम, सेक्शन मान लेते हैं ए। उसके बाद कितना में आप लोग एग्जाम देंगे तो 2024 में, तो यहाँ 20 दिया है तो 24 हम लिख सकते हैं। ठीक है, समझ, जिनका रोल कोड या हमारा स्कूल का कोड था 82009 82009। ठीक है, उसके बाद क्रमांक जितना था आप लोग को 396 तो आप लोग 396 यहाँ पे आप लोग को सिर्फ ये वाला नहीं भरना था। ठीक है, यहाँ पे देखिए अध्यापक जी का, जो अध्यापक आप लोग का है वो मोहर हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पे मोहर मारेंगे, ये आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अब आगे चलिए, आप लोग को अब कॉपी भरना है। देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है कि आप लोग कितना कितना क्वेश्चन यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए प्रायोगिक सूची, भौतिकी यहाँ पे दिख रहा होगा भौतिकी, दूर अवस्थित वस्तु को अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब द्वारा फोकस दूरी ज्ञात करना, ये पहला क्वेश्चन आप लोग को रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है किसी दूर अवस्थित वस्तु के प्रतिबिंब को प्राप्त कर उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभांतर पर धारा का निर्भरता का अध्ययन करना और उसके प्रतिरोध को ज्ञात करना। चौथा था कांच के आयताकार स्लैब सिल्ली से होकर विभिन्न आपतन कोण, ये सभी जितना तो 6 क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखिए ये इतना 6 क्वेश्चन रहेगा, कितना ये रहेगा केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र मान लो था केमिस्ट्री 6 क्वेश्चन, सॉरी फिजिक्स का, उसके बाद 6 केमिस्ट्री का। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे 5 क्वेश्चन रहेगा बायोलॉजी का, 5 क्वेश्चन कौन सी का रहेगा तो बायोलॉजी का, आप लोग ध्यान रखिएगा 5 क्वेश्चन बायोलॉजी का रहेगा। अब देखिए आप लोग को यहाँ से लिखना है, यहाँ पे देखिए और आगे देखते चलिए आप लोग, एक भी थोड़ा सा भी आप लोग को दिक्कत नहीं होने देंगे हम। ठीक है, सिर्फ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए,
देखिए प्रेडिकल आप लोगों को कितना नंबर का होगा, 40 नंबर का। प्रेडिकल कितना नंबर का होगा, 40 नंबर का, ठीक है। आगे देखते चलिए आप लोग, प्रेडिकल आप लोगों को 40 नंबर होगा। इंटरनेशनल एग्जामिनेशन डेढ़ घंटा का होगा, कितना का होगा, सॉरी आधा घंटा का होगा, 1/2 यानी कि आधा घंटा, ठीक है। फुल मार्क्स 20 नंबर का, यानी कि 20 नंबर फिजिक्स देगा, 20 नंबर साइंस वाला पोर्शन देगा, उसके बाद 20 नंबर आर्ट्स वाला पोर्शन देगा, ठीक है। देखिए अभिलेख भौतिकी से 2 गो रहेगा, रसायन शास्त्र से 2 गो रहेगा, जीव विज्ञान से 2 गो, कुल रहेगा 6, 2, 4, 6, ठीक है। प्रयोग रहेगा, जैसे बहुत सारे कॉलेज में तो लैब ही नहीं है तो वहां पे प्रयोग नहीं होगा, तो वहां पे रहेगा 4 ठो भौतिक, 4 ठो रसायन शास्त्र, उसके बाद 3 ठो बायोलॉजी, टोटल मिलाकर हो गया 11 क्वेश्चन, ठीक है, कुल योग 11। उसके बाद मौखिक भी रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा, तो आप लोग को 1 ठो रहेगा भौतिकी, उसके बाद 1 ठो रसायन शास्त्र, 1 ठो जीव विज्ञान, टोटल क्वेश्चन 3 ठो, टोटल नंबर आप लोग को 20 नंबर रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज में होते हैं कि 80-90% बच्चा ही भरता है ये एग्जाम वाला कॉपी, प्रेडिकल कॉपी, बहुत सारे पैसा इससे ही काम कर लेते हैं, लेकिन हम आप लोग से कहते हैं कि आप लोग पैसा के चक्कर में नहीं रहिएगा, आप लोग कॉपी ही भर दीजिएगा, ठीक है। बहुत कम समय लग, बहुत कम ही पैसा में लगता है ये कॉपी। देखिए यहाँ पे लिखा गया है बोर्ड 2000, बोर्ड द्वारा 20 अंकों की लिखित परीक्षा ली गई है, ली जाएगी, मतलब कि ये जो है 20 अंक का लिखित परीक्षा ली जाएगी। इस लिखित परीक्षा में 30 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र 2 खंडों में होंगे, पहला खंड होगा सब्जेक्टिव और दूसरा खंड होगा ऑब्जेक्टिव, जिसका मान 1/2 यानी आधा अंक होंगे। खंड 20 से 10 प्रश्न का 1 अंक मिलेगा, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान नहीं देना है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पे जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है कि दूर, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन वाला खोलते हैं, ये वाला बुक, ठीक है, ये वाला बुक हम खोलते हैं। देखिए ये सभी जो हम दिए हैं वहाँ पे पढ़ रहे थे, यही सब है, 6 क्वेश्चन बायोलॉजी का, 6 क्वेश्चन फिजिक्स का, 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री का और 5 क्वेश्चन बायोलॉजी का, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया प्रयोग का नाम, यहाँ पे प्रयोग का नाम लिखे, दूर अवस्थित वस्तु के अवतल दर्पण में बने वाले प्रतिबिंब द्वारा की फोकस दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ भी है दूर अवस्थित, आप लोग मिला सकते हैं यहाँ पे, दूर अवस्थित वस्तु के अवतल दर्पण में बने वाले प्रतिबिंब द्वारा फोकस दूरी ज्ञात करना। बहुत सारे बुक स्टोर में, जैसे ये वाला जो कंपनी का कॉपी है वही कंपनी के लीजिएगा, तभी आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन सेम मिलेगा, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन अलग रहेगा और ये वाला क्वेश्चन आप लोग को अलग रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से वहां पे लीजिएगा। जैसे देखिए अब यहाँ पे पेज नंबर है, अभी आप लोग को पेज नंबर नहीं भरना है, ठीक है, पेज नंबर ये भी नहीं भरना है, और डेट ऑफ बर्थ भी आप लोग को नहीं भरना है, टीचर सिग्नेचर भी आप लोग नहीं कीजिएगा और ना ही रिमार्क भरिएगा, ठीक है। आप लोग ये सभी पे मायने नहीं रखता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए तो डेट और पेज नंबर कैसे भरेंगे, तो जैसे हम प्रयोग संख्या 1 लिख दिए, यहां से शुरू करते हैं हम लोग प्रयोग संख्या 1। देखिए यहाँ पे प्रयोग संख्या 1 लिखा गया है, प्रयोग संख्या 1 दिख रहा होगा आप लोग को, तो प्रयोग संख्या 1 यहाँ पेज नंबर हम लोग 1 लिख देते हैं और डेट मार देते हैं हम लोग, आज कितना तारीख है, तो आप लोग बोलेगा होगा 16 ग्यारह 2023, यहाँ पे हम डेट मार दिए। और यहाँ पे आप लोग खुद से अच्छा से लिखिएगा, हम तो सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए इस तरह से बता रहे हैं। एक तो हमारा भी दिन था कि हम लोग भी प्रेडिकल कॉपी किसी से देख कर ही भरा करते थे, ठीक है, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। देखिए अब प्रयोग का नाम यहाँ पे लिखा गया, तो प्रयोग का नाम अब नहीं लिखेगा आप लोग। अब देखिए आप लोग आवश्यक उपकरण या सामग्री, तो आप लोग आवश्यक उपकरण यहाँ से लिखिएगा इस तरह से। देखिए यहाँ पे लिखा गया तो अवतल दर्पण, मीटर, स्केल, स्टैंड के साथ सफेद साहुल सूत्र इत्यादि, इतना आप लोग को यहाँ पे कॉपी कर देना है यहाँ तक, ठीक है, आप लोग को यहाँ तक कॉपी कर देना, यहां से लिखना शुरू कीजिएगा, आप लोग यहां तक लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है सिद्धांत, तो आप लोग को सिद्धांत यहां से यहां तक लिख देना है। सिद्धांत आप लोग लीजिएगा, अनंत पर स्थित वस्तु से दर्पण की सतह पर आपतित किरण एक दूसरे के समांतर होती है, ये सभी आप लोग को यहां पे कॉपी कर देना है, ठीक है, जितना में हो सके आप लोग उतार देना है। उसके बाद आप लोग को देखिए यहाँ यदि बच भी गया होगा जगह तो आप लोग छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को आ गया प्रयोग विधि, यहाँ पे देखिए प्रयोग विधि आ गया, तो प्रयोग विधि यहाँ तक है, तो प्रयोग विधि आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, जहां तक हटे। उसके बाद आप लोग को आता है ग्राफ, मतलब कि ये वाला बनाने के लिए, तो आप लोग को यहाँ पे बना भी देना है, यहाँ पे एक तो व्हाइट पेज मिल जाता है तो आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है जी। आप लोग हमें हमारे जमाना में भी हम बना देते थे, जैसे देखिए यहाँ पे इस तरह से बनाना है आप लोग को, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम
कोई खा, आप लोग पेंसिल से बनाइएगा क्योंकि हम आप लोग को समझा रहे हैं, ठीक है। हम तो किसी तरह से बना देंगे क्योंकि हमें 20 नंबर नहीं चाहिए, चाहिए आप लोग को 20 नंबर आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से बना दीजिएगा, उसके बाद आप लोग इस तरह से मिला दीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे एक ठो दर्पण लगा देना है, रुक जाइए थोड़ा सा, अवतल दर्पण यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। अवतल दर्पण आप लोग खुद से बढ़िया से कर लीजिएगा क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा से व्यवस्था नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक ठो पर्दा लगा देना है, उसके बाद इस तरह से कर देना, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से पार लीजिएगा, बहुत अच्छा से पारिएगा तो अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए आप लोग को यहाँ पे मिलेगा आप लोग को, अब देखिए अवलोकन, अवलोकन है तो अवलोकन यहाँ भी मिलेगा। अवलोकन यहाँ पे आप लोग भर दीजिएगा, अवलोकन संख्या 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद देखिए पर्दे के संगत साहुल पाठ्यांक, यहाँ पे देखिए दर्पण के संगत साहुल का पाठ्यांक यहाँ पे, तो आप लोग देखिए यहाँ पे चेंज कर दिया गया, तो आप लोग ध्यान से रखिएगा पर्दे का है तो पर्दे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद पर्दे हो गया, दर्पण तो दर्पण यहाँ पे हो गया। उसके बाद औसत दूरी फोकसांतर, ये वाला यहाँ नहीं लिखना है तो औसत दूरी आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए निष्कर्ष, निष्कर्ष आप लोग को ये साइड दिया गया होगा, निष्कर्ष देखिए गणना, देखिए यहाँ पे गणना भी करना कैलकुलेशन, तो आप लोग को लिख देना है यहाँ पे यही वाला देख के, ठीक है। ये वाला जो लिखा है एफ बराबर एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री बटा थ्री, ये वाला आप लोग को ऐसा दिमाग नहीं लगाना है कि जोड़कर कैसे आया, तो आप लोग सिर्फ आप लोग को कॉपी कर देना है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद निष्कर्ष कर देना है, ये वाला लिख देना है निष्कर्ष, अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर इतना, सावधानियां देखिए सावधानियां लिखा गया, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सावधानियां लिखा गया है तो लिखेंगे हम किधर से, तो आप लोग को जैसे देखिए सावधानियां यही चीज लिखा गया छो हुई, तो आप लोग यहाँ पे नहीं लिखेगा, सावधानी लिखा गया तो आप लोग यहाँ से नहीं लिखेगा सावधानी। ये था आप लोग को फिजिक्स वाला पोर्शन, समझ में आया कि नहीं, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरह से आप लोग केमिस्ट्री वाला भरिएगा, इसी तरह से आप लोग बायोलॉजी वाला भरिएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग, देखिए अब हमारे पास केमिस्ट्री वाला खुलकर आया, यही कॉपी में आप लोग देखिएगा तो इसी कॉपी में तीनों ही रहेगा, ठीक है। विज्ञान वाले ही कॉपी में देखिएगा तो तीनों पोर्शन रहेगा, केमिस्ट्री वाला, ये केमिस्ट्री वाला में फिर इसी तरह से जिस तरह से हम फिजिक्स वाला में बताएं उसी तरह से आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को आएगा बायोलॉजी, ठीक है, क्योंकि हम एक एक करके बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप लोग लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला बायोलॉजी का पार्ट आया है, देखिए आप लोग अभी तक वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे हमारे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जीव विज्ञान आ गया, तो ये वाला बायोलॉजी का पार्ट इसी तरह से आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, ये आर्ट्स वाला पेपर बहुत ही ईजी से भरना होता है, आर्ट्स वाला पेपर भी आप लोग को कोई खास नहीं होता, ये साइंस से ज़्यादा हल्का होता है आर्ट्स, ठीक है। देखिए यहाँ भी आता है प्रमाण पत्र, तो प्रमाण पत्र में आप लोग नहीं भरिएगा तो बहुत अच्छा होगा, आप लोग यहाँ पे कॉलेज का नाम भर दीजिएगा, ठीक है। तो हम केलेस कॉलेज भर देते हैं, केलेस हमारा कॉलेज था तो केलेस कॉलेज लिख दिए, नवादा, ठीक है, नवादा। जो भी नवादा के बच्चे देख रहे होंगे वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद छात्र छात्रा अपना नाम भर दीजिएगा, कुणाल कुमार, ठीक है। उसके बाद वर्ग क्लास दशम सेक्शन ए, उसके बाद 2024 में हम सम्मिलित होने वाले हैं, जिनका रोल कोड कितना था 396, क्रमांक यहाँ पे जो भी होगा, सर यहाँ पे रोल कोड अपना स्कूल कब वाला होगा, तो हमारा था 82009, ठीक है। यहाँ पे शायद हमारा ये केलेस कॉलेज को ध्यान नहीं आ रहा, बहुत दिन हमारा मैट्रिक दिया हो गया, ठीक है, तो ये वाला आप लोग ध्यान नहीं रखिएगा। आप लोग को जो भी कॉलेज का नाम हो रोल कोड आप लोग वही भरिएगा, उसके बाद रोल नंबर भर दीजिएगा, ये वाला आप लोग को नहीं भरना, ये सभी टीचर भर देते, ठीक है। आगे देखिए प्रमाण पत्र, ये भी आप लोग को नहीं भरना है, आप लोग को, हाँ जैसे देखिए 10 निरक्षरों की सूची बनाए, मतलब यहाँ पे आप लोग लिखना है 10 ठो ऐसा व्यक्ति की जो कि आप लोग को गांव में पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है। जैसे प्रमाणित किया जाता है छात्र छात्रा, तो आप लोग जैसे मैं है कुणाल कुमार, ठीक है, कुणाल कुमार, पिता अपना नाम लिख दीजिएगा, ये वर्ग दशम सेक्शन, सेक्शन हो गया ए, ठीक है। उसके बाद क्रमांक हो गया, जो भी हो आप लोग को हो, कार्यकर्ता साक्षरता की भूमिका, ये वाला आप लोग देखिए ग्राम टोला मोहल्ला वार्ड का नाम लिखेगा, तो आप लोग को जो भी टोला हो मोहल्ला हो जो भी आप लोग को लिख सकते हैं, ठीक है, पूरब टोला,
ठीक है, हमारा पूरब टोला, तो पूरब टोला हम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद मुखिया प्रेरक का नाम, आप लोग को जो भी मुखिया जी हो, मुखिया जी उनके नाम लिख देना यहाँ पे। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में, सॉरी कमेंट बॉक्स में आप लोग को नहीं बताना है, जो भी आपका मुखिया जो भी हो वहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जैसे देखिए अब यहाँ पे 10 निरक्षरों का नाम लिखना, मतलब कि जो आप लोग को गांव में बहुत सारे व्यक्ति होंगे जिनका नाम, जो सॉरी जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो जैसे हम मोनू, रंजन, ये सभी आप लोग को 10 नाम लिख देना है। रीमा देवी, रीमा देवी, उसके बाद जो भी हो, रोशन, सचिन, रोहन, ये सभी जितना भी हो। उसके बाद लिंग, जो महिला है तो महिला लिखिएगा, पुरुष है तो पुरुष लिखिएगा, उम्र लिख दीजिएगा, इतना आप लोग मायने नहीं रखिए, पता उपलब्धि, ये सभी आप लोग को मायने उतना नहीं रखता है। उसके बाद हस्ताक्षर प्रेरक मुखिया, ये भी आप लोग को यहाँ पे देखिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं, यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं, सॉरी यहाँ पे रुक जाइए थोड़ा सा, ये देखिए हस्ताक्षर प्रेरक मुखिया ये वाला आप लोग को मायने नहीं रखता है। बहुत सारे बच्चे मुखिया जैसे सिग्नेचर कराने जाते हैं, ये बात आप लोग को ध्यान नहीं रखना। उसके बाद देखिए आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाना है, आप लोग को जो भी हो क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देना है, उसके बाद डेट मार देना है, पेज नंबर, ये वाला आप लोग को, टीचर सिग्नेचर, रिमार्क्स, ये वाला बात आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को लिखते चल जाना है। जैसे देखिए ये वाला है सामाजिक विज्ञान का, तो जैसे देखिए हमारा प्रयोजन का नाम राष्ट्रवाद का विकास, यहाँ पे आप लोग भर दीजिएगा राष्ट्रवाद का विकास, यहाँ पे आप लोग 1 लिख दीजिएगा, उसके बाद राष्ट्रवाद का, राष्ट्रवाद का विकास, ठीक है, यहाँ वाला आप लोग लिख दीजिएगा राष्ट्रवाद का विकास। उसके बाद प्रयोजन का उद्देश्य यहाँ पे होगा, आप लोग यहाँ से लिखते चलिएगा सभी चीज, ठीक है। यहाँ पे प्रयोजन लिख दीजिएगा, प्रयोजन का नाम हम जैसे देखिए आप लोग को लिखते हैं तो थोड़ा वीडियो हिलता है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, ठीक है। देखिए प्रयोजन का नाम लिख दीजिएगा, फोटो कॉपी यहाँ पे कर देना है, ठीक है। आप लोग को सिर्फ लिखते चलना है, जहां तक भर गया वहां तक आप लोग को प्रैक्टिकल कॉपी खत्म हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग को था प्रैक्टिकल कॉपी भरने का वीडियो, तो इस तरह से आप लोग भरिएगा तो 20 में 20 नंबर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।